Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Harshit Arora. This is Vashika Arora. उसकी नोज ब्लॉक है बट आज हम जा रहे हैं शूट करने. मेरा शूट है कोई तो मुझे जाना है बाहर और ये जाएगी लाजपत नगर. उसको मैं लाजपत नगर छोड़ूंगा थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद मैं पापा के साथ शूट कर रहा हूँ. फादर्स डे कमिंग. जब तक आप ये व्लॉग देखोगे शायद तब तक रील आउट हो चुकी है. तो डेफिनेटली चेक इट आउट ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन माय इंस्टाग्राम. मेरी रील पापा के साथ. आई एम शूटिंग फॉर DLF एवेन्यू. या सो एनीवे तो अब हम घर जाने वाले हैं. बहुत लेट है. मेरा टाइमिंग था 3:00 पे निकल रहे हैं. Being punctual now. What a punctual blogger you are. मतलब मुझे लगता है मेरे चाहते ना चाहते हुए भी मैं लेट हो जाता हूँ. मैं आपको कब से उठा रही हूँ? 1:30, 2:15. Anyway, so yeah, यही कुछ plan किया है आज के लिए and उसके बाद I'll meet her and then थोड़ा बहुत खा पी के we'll come back home because tomorrow we are leaving for somewhere and hopefully I get well by then. Hopefully, yeah. So it's a family trip. हम लोग जहाँ जा रहे हैं अभी वो 50-50 बेसिस पे चल रहा है डिपेंडिंग ऑन मी. या उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है. वरना वो नेक्स्ट वीकेंड पे पोस्टपोन. हाँ मतलब अगर उसने अलाउ किया तो. तो एनीवे तो अभी हम लोग पहुँचते हैं आपसे मिलते हैं वहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ शूट कैसे होता है क्या होता है. दिस फोटोग्राफर व्हिच इज हु इज वेटिंग फॉर मी एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड. अच्छा कोई वेट कर रहा है मेरा. आई हैव टू रश रश नाउ और आई थिंक प्रॉब्ली आई विल गेट फ्री 1 घंटे में. हाँ, 59 सेकेंड वीडियो तो मुझे लगता है 2 घंटे तो लग 2 घंटे. हाँ हाँ मतलब मैं शूट जल्दी खत्म कर लेता हूँ. हाँ बस मेरे साथ ये है कि मैं मेरे को कैमरा ऑन कर दो ना तो मैं फटाफट. और मेरे केस में उल्टा है. मुझे थोड़ा टाइम लगता है. पहली बात तो अगर कोई और फोटोग्राफर है सो आई विल नीड आराम से आधा घंटा टू एडजस्ट विद हिम अंटिल हर्षित है तो आई एम लाइक बिंदास. बट कोई और शूट कर रहा होता है या देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड. थोड़ा आउटडोर में इतना प्रॉब्लम नहीं होता. मुझे बहुत दिक्कत. हां मुझे नहीं होता ऑनेस्टली. बट या सो देखते हैं कैसे जाता है शूट. अभी इतना पहले से अजम्पशंस लगा के इट्स ऑल गुड. बट मैं होपफुली आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस इन वन गो एक ही बार में आज ही के दिन ताकि मुझे दोबारा. हाँ पापा तो प्रो हैं उनके साथ दिक्कत नहीं आएगी. मैंने उनको बताया ना कि शूट है तो उन्होंने तो छुट्टी ले ली आज. पहुँच गए हैं और ये थोड़ा सा सिक बेबी भी आ गया है. ये देखो जरा क्या बोली. हेलो ये नंगा भी है यहाँ पे. कोई नहीं घर पे पता है बताओ. मैं जा रहा हूँ शूट करने अब और ये रहने वाली है घर पे और रेस्ट करने वाली है. इसे मेडिसिन ले ली तो फीवर हो रहा है मुझे लगा. हाँ दवाई ले रही है. सो ये आप देख नहीं सकेंगे. देखना चाहेंगे भी नहीं और देख पाएंगे भी नहीं. एनीवे तो मैं जा रहा हूँ. पापा नीचे वेट कर रहे हैं मेरा क्योंकि पापा के साथ शूट है. थैंक यू बाय. सो अब मैं पापा के पास गाड़ी में बैठता हूँ जाके और आपसे मिलता हूँ. सो आ गए हैं हमारे पापा हमें लेने और हम जा रहे हैं शूटिंग खेलने. पापा तो पूरा ड्रेसअप हो गया है अच्छे से एकदम कलर कॉम्बिनेशन पहन के. मैं तो ऐसे 5 मिनट में फटाफट कपड़े निकाल के रेडी हो गया. तो या हम जैसे मैंने बताया हमारा शूट है तो आप एक्साइटेड हो पापा. लेकिन मुझे आता कुछ नहीं करना. तो आपको हमें करना ही क्या है. मैं तो बस कैमरे के आगे खड़ा होना है कि फोटोग्राफर करता रहेगा शूट. और हमारा लंच है हमें लंच करना है. अब पता नहीं मेन्यू में हमारे को क्या क्या मिलने वाला है वो नहीं पता. बट या तो फटाफट हम पहुंचते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है. वी हैव रीच टू DLF एवेन्यू. नहीं मतलब अभी हम सिलेक्ट सिटी वॉक में बट हम जा रहे हैं DLF एवेन्यू की तरफ. एंड फोटोग्राफर जो है जैसे मैंने बताया हम लेट हैं तो वेट कर रहा है हमारा. तो हम पहले फटाफट क्रोमा का ख़त्म करेंगे शूट और दूसरा एक फूड कोई रेस्टोरेंट है वो मुझे नाम नहीं मुझे आता नहीं है उसका नाम प्रोनाउंस करना. सो या वहाँ करना है तो वो दोनों ख़त्म करते हैं और कुछ खाते हैं. भूख लग रही है. चलिए पापा थोड़े शाय हो रहे हैं. पापा कहते मुझे कहाँ पास आ गया तुम. आपको ऐसा लग रहा है कहाँ पास आ गया शाय हो रहे हो. तो फटाफट अब चलते हैं भागते हुए क्योंकि अभिषेक मेरा वेट कर रहा है वहाँ पर. या दिस इज टिम हॉटिंस जो कि खुल रहा है यहाँ पर.
ये सिर्फ बाहर मैंने बताया कि टिम हॉर्टन्स सिर्फ इंडिया से बाहर था, शायद ये पहला आउटलेट होगा टिम हॉर्टन्स का जो इंडिया में खुल रहा है, सिलेक्ट सिटी वॉक में खुल रहा है, सो डेफिनेटली चेक इट आउट गाइस। सो आई हैव मेड इट टू डीएलएफ एवेन्यू। टाइम पे तो नहीं आया मैं अभिषेक, मैं टाइम पे आया था? बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी टाइम पे नहीं आया, बट अभिषेक है जो हेल्प कर रहा है। और अगर आपको भी शूट कराना हो तो आप अभिषेक को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभिषेक का इंस्टाग्राम हैंडल है अभिषेक गोयल फोटोग्राफी, अभिषेक गोयल फोटोग्राफी, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको रीच आउट करना हो, इज गुड एट इज वर्क, मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू ही मिला है कॉन्टैक्ट, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। चलो हम जा रहे हैं पापा और मैं क्रोमा पे, बिकॉज क्रोमा पे करना है पहले, और मुझे वहाँ से ब्रांड मैनेजर से बात करनी है थोड़ी सी, कि ताकि वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके वो कराने वाले प्रमोट वो बता सके कि कौन सा प्रोडक्ट है। तो चलो चलते हैं क्रोमा। पापा का आउटफिट ऑफ द डे ये है, मैं पापा का आउटफिट ऑफ द डे है ये। पापा पूरा स्मार्ट बन के आएंगे, कोई कहेगा कोई कहेगा ये इंसान 40 प्लस है क्या कह रहे हो? हम लड़के हैं हम, वही तो कह रहा, कोई कहेगा आपको देख के 40 प्लस हो। चलिए गाइस, सो वी आर डन विद आवर शूटिंग फॉर क्रोमा। थोड़ा बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड करें, मैं आपको रील पे ही देख लेना जाकर, ऐसे मैं कर नहीं पाया यहाँ पर क्योंकि अकेला था, मतलब पापा मैं तो वीडियो में ही थे तो इसलिए कर नहीं पाया। डन विद शूटिंग पूरा, बहुत मज़ा आया शूट करके, बहुत जल्दी फ्री हो गए। आपको कैसा लगा पापा? बहुत बढ़िया, एक्टिंग करके तो बहुत मज़ा आया। हम कुछ खाने जा रहे हैं, बहुत भूख लग रही है, सो वी आर गोइंग टू मैरी लुइस एंड वहाँ कुछ खाते हैं, फटाफट भूख लग रही है। आई एम नॉट श्योर कि मैंने नाम सही बोला या नहीं बोला, बट या लेट्स जस्ट हैव अ फूड। तो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी आपके लिए? बढ़िया है, नाइस स्वीट फूड। पापा में खा रहे हैं, पापा खा रहे हैं मीट बॉल स्पेगेटी, मैं खा रहा हूँ ये कुछ है, ये भी कुछ है, पेस्टो कुछ है ये, बट वी आर हैविंग दिस फूड। क्या खा रहे हो? हाँ पिज्जा टाइप ही है कुछ, सो वी आर हैविंग दिस फूड एंड आफ्टर दिस वी आर गोना लीव फॉर होम, बिकॉज़ आई एम रियली टायर्ड, बहुत काम कर लिया हमने, तो अब हम घर जाते हैं, पंचका से देखते हैं उसकी तबीयत कैसी है, पूछते हैं। So we have left DLF. पर कोई घबराने की बात नहीं है, दोनों फाइन हो जाएंगे आज शाम तक, सही बोला ना? अगर नानी ये देख रही है ब्लॉग तो घबरा के फोन इधर और इधर रोते में ना करे, बिल्कुल ठीक है बच्चे, ठीक है दवाई कर दी है, हाँ बस खांसी जुकाम है ना थोड़ा थोड़ा। की हो गया अंशु, अंशु की हो गया तेरे को, नजर लग गई है आ तू, मैं तेरी नजर उतरवाऊं आज, नजर तो लगी हुई है इसको, नजर लग गई है। कन्वर्सेशन चल रही है अबे, अगर मैंने अब देखा या मुझे पता लगा कि तुम दोनों मोमोज खाने गए हो तो मैं बात नहीं करूंगी तुम दोनों। नहीं पहले पहले वाला लाइन बोलो जो कैमरे से पहले, तुम्हारे नलों में, नलों में तुम्हारे मेकअप फंस रहा है। चलो स्कैनिंग, चलो स्कैनिंग, चलो मैं दिखाती हूँ, ये मैं सब बोल चुकी हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लो। मैंने कहा एक बार आप दोबारा रिपीट करो, इनके लिटरली अगर मैं स्कैनिंग कराऊंगी इनके अंदर मेगा जमा मिलेगा, हर चीज लिमिट में अच्छी है। से नो टू मोमोज अभी फॉर टाइम, नो टू मोमोज गाइस, कोई मोमोज चैलेंज नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, यही बात मैं घर पे भी सुन के आया हूँ, हम दोनों झाड़ खा के आए थे। मम्मी ऐसे ही होती है, टेलीपैथी होती है। यस मामा बेयर, टू मच हो गया बेटा, नहीं मोमोज क्यों, पहले मैं देखा था कि वो पैर खुलवा के आ गई, हाथ खुलवा के आ गई थी, अब इन्होंने सोचा मैं भी बोलता हूँ चलो। और हमने सोचा था कि मेरे, मतलब ये नहीं बता रहा, बट हमने एक वीडियो सोचा था जिसके अंदर हम अलग दिल्ली के, पूरे दिल्ली के मोमोज ट्राई करने वाले थे, छह जगह के। मैं डांट खाता हूँ, आपसे मिलते हैं अभी डांट खाने के लिए। गाइस वी हैव सम गुड न्यूज़, रैट्स का चैनल YouTube ने वेरीफाई कर दिया है।
यू गाइस आर लकी फॉर मी वो तो मैं आई ओम साई राम ओम साई राम ओ एसआर अभी हम आपके मैनेजर का रिएक्शन देखेंगे जब वो आएंगे ठीक है बॉस लाइक कब छे होंगे कब छे होंगे और हमको भी अभी ये लैपटॉप खोलना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने भी ये नहीं खोल के देखा हुआ था तब जब हमारा हो रहा था ना चैलेंज आई कांट बिलीव ये पापा आ चुके हैं अब उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करके आपको दिखाते हैं 1100 2124 ये क्या कर रहे हो आप लोग पोस्टल कोड क्या हमारा 1100 2124 एक बहुत ही बड़ी भसोड़ी पड़ गई है पापा क्या इनका चैनल मोनेटाइज हो गया इतनी खुशी हमें हुई थी हाँ मुझे भी थी बहुत मेरे को भी इतनी हुई थी मैं पूरी रात बैठा लगा रहा था ये सो या वी आर डन विद आवर वी आर डन विद आवर मैंने खाया डोसा बिकॉज मैं यहाँ हूँ और मुझे जो एक यहाँ पे दुकान है उसका डोसा बहुत अच्छा लगता है और बता सकते हैं ना अन्ना अन्ना है एक बहुत फेमस है और अच्छा टेस्टी मतलब फेमस पता नहीं बट टेस्टी बहुत है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एंड शी इज एंजॉइंग हर चिकन बिरयानी जो यहाँ था अब वो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आ गया ट्रांसफर हो गया तो खाओ डोलो तो अब मैं भी खाऊंगा क्या क्या खाऊंगा शी मीन टू से डोलो तो डोलो मैं भी खाऊंगा अब सबका डिनर हो गया बस आज आपने कौन सी दवाई खाई थी दवाई क्या दवाई सैराडॉन को बोल रही सैराडिन सैराडिन खाई यहां की दवाइयों के नाम अभी मैं नाम यहां पे यूज है पैनाडोल क्लांटिन आपने कौन सा वर्ड बोला था यार याद कबीर भी एक वर्ड याद करने की कोशिश कर रहा है जो दिन में बोला था और मैं तीन बार इनको करेक्ट किया तब भी गलत बोल रही थी अभी आप बताइए तो क्या बोला आई डोंट रिमेंबर मम्मा की मेमोरी खत्म हो गई है और मुझे गिफ्ट भी मिला मुझे गिफ्ट भी दिया है पापा ने और मैं वो देख के बहुत किस चीज से आपको हैप्पीनेस मिली है और मुझे लगता है कपड़ों से तो तुम दोनों को बहुत हैप्पीनेस मिलती है हाँ रोज चाहिए होता है ना वीडियो में निकालने के लिए अलग अलग पूछने गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है भापे निकाल रहे हैं यहाँ पे और रात को लिमका कोल्ड ड्रिंक कुछ रह गया भर भर के स्टीम ले रही है नाक खुल गए गुड गुड गर्ल आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी थोड़े दिन तक अंशिका इज नॉट वेल गाइस अच्छा मैं पता है ये सोच रहा था कि थैंक गॉड हम दोनों का शूट था आज बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि एक ही को करना था फॉर्चुनेटली अब लग रहा है फॉर्चुनेटली ऐसा अच्छा हुआ कि मैं तो मरी पड़ी होती हाँ क्योंकि मॉल के एक कोने से दूसरा कोना इधर बाहर अंदर दूर दूर था सब कुछ यार सब कुछ संभाले दो तीन बार हम एंट्री पे आए एंट्री का शॉट लिया एग्जिट का शॉट अलग लिया तो मेरे को यही था मैं पापा को कह रहा था मेरे का अच्छा है वंशिका नहीं आई शूट करने आज सो वी आर होम नाउ एंड आई हैव टेकन शावर बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा था इतना स्वेट हो रहा था इतना क्रिंज कर रहा था मैं व्हाट बेस यू स्वेट कर रहा था तो मेरे को ये था बस मैं नहाऊंगा घर आकर और मैं नहाया हूँ फटाफट एंड देन शी इज नॉट गुड मेरे को थोड़ा मेडिसिन लेके थोड़ा बेटर लग रहा है बट इसको तो नहीं लग रहा अभी सुबह तक बेटर होगा बट आई थिंक नेक्स्ट 3-4 डेज में और बेटर होगा जो हमारा कल का आउटिंग थी जो हमने फिंगर क्रॉस किया था वो हमने पोस्टपोन कर दिया शी इज नॉट वेल तो वो फन नहीं होगा ऐसे जाना फालतू में आई थिंक वो अभी के लिए वो क्यों नहीं कर जा पाए ऐसा ना कि वर्स हो जाए सिचुएशन जो थोड़े में होना है वो और आप बाहर हो तो आप रीच आउट भी नहीं कर सकते जगहों पर जहाँ पर जाना होता है तो फिर हाँ इसीलिए हमने थोड़ा कैंसिल कर दिया हमने सोचा कैंसिल क्या करा पोस्टपोन कर दिया तो अब हम क्या करने वाले हैं मैं अपनी लास्ट डोज ऑफ मेडिसिन ले रहा हूँ
she's taking medicines and I am gonna edit the vlog जो कि कल live जाना है क्योंकि ताकि आप time से देख सको 11 बजे तक मैं schedule पे लगा दूंगा ताकि आप लोग को मिल सके and now we are going to आपको पता है पेट में राउंड राउंड होना क्या कहते हैं कहती जैसे यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे राउंड राउंड हो रहा है ऐसे ऐसे राउंड राउंड हो रहा है I don't know मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही अगर कोई कमेंट्स में एक्सप्लेन करना चाह रहा है तो प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दो एनीवे सो नाउ दैट वाज ऑल फॉर टुडे आई गेस या नो आई वाज जस्ट सेइंग दिस एंड ये रेस्ट करने वाली है इफ आई फील बेटर आई माइट डू फिनिश ऑफ माय स्टोरीज सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडे एज ऑफ नाउ तो आई एम गोना टेक अ मेडिसिन फीलिंग होपफुली कि आई फील बेटर टुमारो And yeah, so if you like this video, go like, share, subscribe, comment, and also hit the bell icon so that you'll be notified when I post a new video for you guys. So let's see you in the next one. Bye.